खेती बिहार में कितने जगह बताया था आपने? बिहार में अमूमन 5-6 जगह मात्र हो रहा है अभी। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि मोती का बहुत खेती लोग भी तो होता है। हंसते भी यार, मोती का खेती कर रहे हैं। बिहार होने के बाद जो इससे मोती निकलता है और पर जीप पे 2 मोती निकलता है और इस मोती का दाम इंटरनेशनल में $6 लाख पर केजी रुपया मिलता है। अच्छा ये खुल जाता है, ये अच्छा ये जैसे ये खुल जाता है। जिंदा जीव है। देखिए ऐसे अगर है तो आप समझिए कि ये जीव जिंदा है, अच्छा जैसे अभी पैक है, देखें। सील्ड है, ये जिंदा जीव है, और जैसे मर जाएगा तो ये ऐसे खुल जाता है। अच्छा ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है? देखिए इसका ड्यूरेशन मिनिमम 1 साल रहता है, मिनिमम 1 साल रहता है, अच्छा 1 साल में तैयार हो जाता है। एक साल में तैयार हो जाता है। मैक्सिमम का कोई ये नहीं है कि जीव 4-5 साल में मर जाए, तो फिर अच्छे से निकाल लीजिए और अच्छे डिजाइन का निकल जाएगा। अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे? मोती तो इसके अंदर से निकलता है ना, जो ये करोड़ों का मोती होता है अंदर से निकलता है, हाँ, लेकिन उसको क्या बोलेंगे हम? ये सितुआ जीव हुआ। अच्छा सितुआ जीव हाँ जो कि समुद्र में पाया जाता है। समुद्र में पाया जाए, समुद्री अच्छा जीव तो है ये, समुद्र से ही इसको उठा कर लाए हैं क्या? समुद्र से ही मंगवाया गया। देखिए अमूमन में लोग, आप अगर कहिएगा तो लोग बहुत सारे कहेंगे हमारे पोखर में बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो अच्छा ठीक है पड़ा हुआ तो आप भी वो निकालिए उजला उसको उजला आराम टाइप का से। होता है, व्हाइट व्हाइट, लोग वो तो क्या संख कहते हैं शायद उसको, आई उसको थिंक भी सितुआ कहा जाता है, वो संघ टाइप का दूसरा होता पता है। नहीं। हम हाँ कई आप लोग में से कई भाई लोग आए थे हमारा इंटरव्यू लेने, अच्छा कंटिन्यू वहां ही रहे हैं, तो उनके ही किसी वीडियो में किसी कमेंट में हम देखे थे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे पोखर में तो फेंका रहा था। ठीक है आप भी उससे निकालिए फिर कमाइए, क्या दिक्कत है जब है तो। लेकिन हम तो भाई खरीद के लाए हैं, तो हम तो इसको सोना का कीमत समझेंगे, हीरा का कीमत तो समझेंगे ना इसका। अच्छा जब इसको खरीद के लाए थे तो कहाँ से मंगवाए थे और कितने ये मंगवाए थे? समुद्र से मंगवाया गया था खरीद के, चेन्नई की अच्छा तरफ से, और इसका कुछ तो मिनिमम है, लेकिन इसका देख रेख बहुत मैक्सिमम, मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत इसलिए करना पड़ता है कि ये जीव मर ना जाए, इसको देखना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद फिर इसको आईसीयू में रखा जाता है, जैसे एक आईसीयू में भी रखा जी जाता है? आईसीयू क्या पानी बात। वार्ड बनाया जाता है, अच्छा उसमें उसको देखा जाता है कि इसमें ये स्टेबल हो गया, तब फिर नॉर्मल मिला। जैसे हाँ एक आम जीवन होता है ना, किसी भी महिला का ऑपरेशन होता है, फिर आईसीयू में, उसके बाद फिर नॉर्मल वार्ड में, उसी टाइप से इसको किया जाता है। अच्छा इसको कैसे पता करेंगे कि ये जीवित है या फिर मर गया? अभी जीवित जीव का हम उदाहरण दिखाए थे, वो जो पैक है, अच्छा और हाँ मरा हुआ जीव का उदाहरण अभी हम यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे ये है ना, ये खुल जाता है, ये अच्छा ये जैसे ये खुल जाता है। जिंदा जीव है। देखिए ऐसे अगर है तो आप समझिए कि ये जीव जिंदा है, अच्छा जैसे अभी पैक है, देखें। सील्ड है, ये जिंदा जीव है, और जैसे मर जाएगा तो ये ऐसे खुल जाता है। ये जो खाली है अभी, ये लाए कहाँ से? इसी में से निकाला है या इसी फिर? में से कुछ जीव अच्छा मरता भी है ना, तो वही मरता है तो फिर मुझे निकालना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जीव जो मर जाता है तो इसके शरीर में जो गंदगी रहेगी वो तो फैल जाएगा, बिल्कुल। फैलने के बाद फिर ये डैमेज करेगा अंदर में, इसलिए इसको बाहर करना अच्छा ये पड़ता जो है। मरा तो इसमें से निकला कि नहीं निकला मोती? देखिए ये तो ऑपरेशन करने के कुछ दिन बाद ही मर गया था, इसमें अच्छा नहीं। देखिए एक्चुअली लंबा समय लगता है, 1 साल मिनिमम ड्यूरेशन लगता है इसको तैयार होने में, अच्छा एक इसमें साल टोटल कितना लगा है? सब बोतल, बहुत सारा बोतल दिख रहा नहीं है। हम 300 पीस हम इसमें लगाए। 300 पीस? तो बोतल तो 300 दिख नहीं रहा है। नहीं, बोतल पर बोतल पे नहीं है ये, अच्छा ये मतलब एक रस्सी रस्सी बांधा हुआ में है। बोतल इसलिए दिए हैं अच्छा कि मतलब रस्सी नीचे ना डूब जाए, इसलिए हम दिए हैं, ये बैलेंस मेंटेन रहे, इसलिए अच्छा कुछ कुछ दूरी पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों हम अभी दिखाएंगे आपको थ्रस्ट सोसाइटी। ये देखिए एक रस्सी यहाँ पे, 2 रस्सी है, 3 4 5, 5 रस्सी आपको दिख रहा होगा और बहुत सारा बोतल है। तो ये जो 5ों रस्सी आपको दिख रहा है ना, इस ओर से उस छोर तक आपको रस्सी देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें बहुत सारा बोतल है ताकि रस्सी को नीचे डूबने ना दे और वो जो जीव है उस जीव को जमीन के सतह पर सटने ना दे, ताकि वो जीव जो है ना जिंदा रह सके और मरे ना। जमीन के नीचे सट जाएगा जमीन पर तो वो जीव मर जाएगा। बाकी क्या कुछ इन्होंने कहा आपने सुन लिया कि इस जीव का जो तैयार होने के बाद जो इससे मोती निकलता है और पर जीप पे 2 मोती निकलता है और इस मोती का दाम इंटरनेशनल में $6 लाख पर केजी रुपया मिलता है। अच्छा इसको खाना वाना में क्या कुछ देते हैं? खाना में तो काई खाता ही है, पानी में ही रहने वाला जीव है, समुद्री जीव है ये अमूमन, तो समुद्र में तो देखते हैं क्या मिलता है खाना खाने के लिए, वही सब चीज यहाँ इसको काई बनाए हुए हैं, काई खाता है बस, पानी में जो चीज मिलता है वही खाता बस। वही खाता है। अच्छा पानी इसका, से ही इसकी अच्छा बोली। कैसे पता चला था? इसके बारे में रिसर्च किए थे या फिर कैसे उसको देखिए लाए थे? इसका जैसे मुझे जानकारी मिला तो हम जाके ट्रेनिंग किए थे इस जीव का, 3 दिन का ट्रेनिंग किए थे हम समस्तीपुर में, विभूतिपुर ब्लॉक में, और वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद सर हमको बताए थे, वहाँ हम ऑपरेशन भी किए थे इस जीव को, तो फिर सोचे कि क्यों ना करके देखे एक बार, क्योंकि एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है जो आप सफल तभी होंगे जब एक बार असफल होंगे बिल्कुल जिंदगी में, तो एक बार असफल होना पड़ेगा, तो लेकिन हमको लगता है कि हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अब 8-10 महीने हो गया। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि हम सफल हो जाएंगे। 10 महीने लगभग हो चुका है। तो 10 महीने में जो 300 लगाए थे जीव इसमें, तो 300 में से कितना मर चुका है? कुछ जीव डैमेज भी हुआ था, कुछ अच्छा जीव इसलिए डैमेज हुआ था कि मतलब वो स्टेबल नहीं हो पाया था इस पानी में, तो इसकी वजह से इसको डैमेज होना पड़ गया था।
था तो कुछ मर गया था तो उसको निकालना पड़ा फिर हमको। आप जो मोती दिखाए इस मोती तीन मोती था, तीन मोती में अच्छा खासा वजन था, तो जो 300 लगाए थे लगभग 350 के आसपास अभी जिंदा होगा। हाँ अप्रोक्स होगा उसके आसपास जी, अप्रोक्स होगा। तो एक साल बाद अगर निकालते हैं 12 महीने बाद या फिर 2 साल बाद, ही आपने कहा कि 3-4 साल इसको रखना है, तो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 1-2 केजी तो वही बड़ा नहीं होगा, नहीं मोती बड़ा हो जाएगा। नहीं मोती भी देखिए वो जितना बड़ा जीव है उतना ही बड़ा जीव रहेगा, मोती भी उसमें ये डिजाइन अच्छा हो जाएगा, लेयर बढ़ता बढ़ता थोड़ा बड़ा होगा। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक साल के ड्यूरेशन में वो इतना बड़ा मोती बनाता है, अच्छा उसका लाइफ स्टाइल 5 ईयर ही है, तो उसमें कितना बड़ा बनाएगा। मतलब ये नहीं कि एक मोती 1 केजी का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीव ही छोटा है। वो जीव तो अभी हम दिखाए थे ना कि कवर्ड है, पैक है। नहीं मेरा कहने का मतलब है जितना सारा जीव लगा है वो टोटल मिला दिया जाए तो लगभग 1-1 केजी हो जाएगा। नहीं 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 फिर आप तो रातों रात इनकम टैक्स वाले हमारे पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये रातों रात करोड़पति बनने वाले। अच्छा रियलिटी बताइए कि अगर ये 300 जो लगाए हैं जीव, तो उसमें से जब 3-4 साल बाद निकलेगा तो कितना? 600 अगर 300 जीव है ना, पर जीव से अगर जीव बच जाता है तो 600 मोती निकलेगा। 600 मोती निकलेगा भाई, 600 का वजन कितना हो जाएगा? अब देखेंगे कितना होता है, अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि उससे नहीं बता पाएंगे देखने के बाद। मतलब 2-3 साल बाद, हालांकि इसका खेती जो किया जाता है 1 साल का ही खेती किया जाता है, मिनिमम 1 साल का ड्यूरेशन रहता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 3-4 साल रखेंगे तो इसका मोती का डिजाइन और चमक जो होता है ना वो बढ़ जाता है, जिसके कारण कीमत भी अच्छा मिलेगा। और 300 जो लगाए हैं, 300 में से कुछ मरा होगा तो लगभग 350 के आसपास होगा, 275 के आसपास होगा। तो अगर उससे 1/2 केजी या 300 ग्राम ही निकल जाता है तो मतलब 2-2.5 करोड़ का तो मालिक बन ही जाएगा। नहीं नहीं इतना नहीं बनेंगे, क्योंकि हम इतने मैक्सिमम कॉस्ट में बेचने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वहाँ फिर सभी लोग ले नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम इसका मिनिमम कॉस्ट रखेंगे ताकि सभी लोग ले पाए। अच्छा ये खेती बिहार में कितने जगह बताया था आपने? बिहार में अमूमन 5-6 जगह मात्र हो रहा है अभी, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि मोती का खेती। लोग तो हंसते भी हैं, मोती का खेती कर रहे हैं। अच्छा आपके गांव वाले कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कहते हैं कि ये मोती का खेती कहाँ से कर रहा है? देखिए वो गांव वाले क्या कहेंगे, वो है ना कि घुड़सवार ही गिरते हैं रन मैदान, वो क्या गिरेंगे जो लुल्ले नंगरे हैं। सफल होने के लिए तो पहले मैदान में आना पड़ेगा। लोग तो बहुत जगह बहुत बातें उठाते हैं, लेकिन सफलता तभी हाथ लगेगी जब पूरी हो जाए, फिर सबका मुंह बंद हो जाएगा। बाकी दोस्तों एक कहावत में कहा गया है कि जब तक भाई तुम रेस में दौड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें उस रेस का अनुभव पता नहीं चलेगा। आपने देखा होगा क्रिकेट भी देखते होंगे, तो क्रिकेट में विराट कोहली जब छक्का मारता है तो बहुत खुश होते लोग, छक्का जब नहीं मारता है तो जो देखने वाले दर्शक होते हैं ना तो वो कहते हैं भाई ये तो आसान बॉल था, इसको छक्का आराम से मार सकता था। लेकिन जब वो ग्राउंड पे उतरेंगे तो वो एक बॉल टिक तक नहीं पाएंगे। तो वही होता है जब ग्राउंड पे उतरेंगे तभी आपको उसका अनुभव पता चलेगा। और हमारे बिहार में करोड़ों की खेती की जा रही है, मतलब जिसका दाम करोड़ों में है केजी पर केजी, उसका खेती की जा रही है जो कि बहुत ही यूनिक है। और हमारे बिहार में भाई जी ने कहा कि लगभग 4-5 जगह ही इसका खेती किया जाता है। बाकी इस मोती के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, छोटे से पोखर में इसका खेती किया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।